चलो। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया जायसवाल है। सानिया जायसवाल। यस। ओके, आप PW में कौन से बैच से थे? मैं अगेन 2.0 से थी। मैं ऑनलाइन बैच ऑनलाइन बैच में से थे। ओके, आप मतलब स्कोर क्या रहा अभी आपका? थी। मेरा स्कोर 614 रहा और ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। सेकेंड ड्रॉप। ओके, लास्ट टाइम कितना स्कोर रहा था? मेरा लास्ट टाइम 463 रहा है। 463। ओके, जनरल तो कैटेगरी या OBC कैटेगरी? OBC लास्ट ईयर आपको ले लेना चाहिए था वैसे कॉलेज, अगर चाहते तो आप मिल सकता था MP में तो प्राइवेट। मिल सकता था पर मुझे नहीं लगता। आई शुड सेटल फॉर लेस एनीवे। ओके, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था और गवर्नमेंट में भी अच्छा। हाँ, क्योंकि आई डोंट थिंक पेरेंट्स पे किसी भी तरीके से मुझे प्रेशर बनाना चाहिए। बीइंग अ एल्डर वन, ओके, तो मैं कुछ चीज़ें सेट करनी है मेरे छोटे भाई के लिए। एंड आई वो ना सेट अ पेस की आगे सब उसके लिए भी सही रहे, तो मैं इंश्योर करना चाहती हूँ। क्योंकि आई डोंट थिंक फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्टेबल होती है। बहुत सारा प्रेशर होता है। पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स बेस्ट कर देते हैं अपना, हो चाहे वो कितना भी कमा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों। आई डोंट बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली। मेरे पास मेरा रूम भी नहीं होता है। हाँ एंड फिर मेरे मेडिकल कंडीशंस के कारण पिछले साल तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, पर वो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। 1-2 महीने उसके बाद मेरी एफिशिएंसी ही नहीं थी और इस बार ओके, मेरे पास रूम नहीं था। बट लास्ट मंथ में आई थिंक मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तो इस रूम से बाहर नहीं निकलेगी। सो दैट वाज द चेंज, फर्स्ट टाइम जब मेरे पेरेंट्स ने स्टैंड लिया कि नहीं तू पढ़ेगी, तू छोड़ दे अभी ये सब प्रेशर वेशर लेना। बहुत अनएक्सपेक्टेड था पर आपने काफी अच्छा स्कोर किया था, बट उसके बाद फिर ये कट ऑफ ने सबको, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? इतना अचानक से कट ऑफ कैसे बढ़ गया? PW के कारण। PW एक्चुअली के कारण। टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, 100% दिया है उन्होंने। मैंने देखा है एमआर सर को क्लास में जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट हो जाया करते थे। उनका इतने एफर्ट्स के बाद बच्चे जब परेशान करते हैं क्लास में तो ऑब्वियसली ब्रेकडाउन मतलब तो होता है। PW ने जब से ऑनलाइन स्टार्ट किया तब से जो बच्चे एफोर्ड नहीं कंपटीशन कर और बढ़ सकते, गया है। कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन ऐसे बच्चे जो एफोर्ड्स नहीं कर पाते थे कोचिंग इतनी, लेकिन वो भी कर सकते, आप फाइट नहीं थे ना। उसके लिए तो बहुत सारे बच्चे बहुत ग्रेटफुल। आई थिंक PW को जितना प्यार मिलता है वो इसी कारण है कि ये एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा इमोशन पे चल रहा है। जिस तरीके से अलग सर कभी भी इवेंट्स पे मिलते हैं बच्चों से देख के इंसान, मतलब मैं कभी मिली नहीं, मैं कभी गई नहीं, मैं कभी ऑफलाइन नहीं पढ़ी किसी टीचर से यहाँ के, पर जब आप देखते हो यूट्यूब पे उनको मिलते हो तब लगता है मतलब बच्चों ने कुछ नहीं किया पर वो उसी एनर्जी से उसी प्यार से मिलते हैं। तो आई थिंक इस कारण PW इतना बड़ा है। अलग पांडे सर के कारण जो अलग भी है। पांडे सर लाइक गॉड मैन। आपका एक्चुअल में मतलब डॉक्टर बनना ड्रीम है या नहीं, या फैमिली के रीजन से आप? मेरा ही था डिसीजन। मेरी फैमिली तो पिछले साल तक भी बोल रही थी चेंज कर लो फील्ड। इनफैक्ट मैंने पिछले साल CUET दिया था। इस साल मैंने हिम्मत करके CUET नहीं दिया क्योंकि मुझे पता ना मैं भटक जाऊंगी। तो इस बार मैंने सोच लिया था कि मुझे बनना है मतलब करना ही है, तो मैंने और कोई सेकंड ऑप्शन चूज़ करके ही नहीं रखा था। तो इसका रीज़न मेनली ये है कि कोविड के टाइम पे 11th 12th जब मेरा मतलब मैंने एक्चुअली PCM लिया था पर फिर कोविड आया। देन आई थॉट मैं इंजीनियर बन के क्या ही उखाड़ लूँगी, क्या कर लूँगी मैं ऐसा जो देश को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाएगा। एक बहुत सारी जगहों पे आज भी एक्सेस नहीं है मेडिसिन का, गांव में बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक अवेयरनेस वहाँ तक फैलाने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट सिटीज़, आप बड़े बड़े कॉलेजेस ले लेंगे पर जब आप छोटे स्तर पे जाके काम करेंगे आई थिंक तभी वो चेंज आएगा। जैसे अलग सर ने किया, बिल्कुल, अगर अलग सर वो ऑफर्स एक्सेप्ट कर लेते, बहुत जो उनको करोड़ों का हेफ्टी मिला अमाउंट था। मिला था अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो यहाँ पे इतने सारे बच्चे शायद गांव से और बहुत बहुत बुरी स्थिति से जो निकल के अभी बहुत अच्छा स्कोर दिया है, 700+, 720 इतने आया है सेवन ऑनलाइन ट्वेंटी भी से। आया है। 720 वाला बच्चा तो आई थिंक ही सेड कि उसको फैमिली सपोर्ट था, पर कितने बच्चों को फैमिली सपोर्ट नहीं है, घर पे रूम नहीं है, लाइट नहीं रहती है, नेटवर्क नहीं मिलता है। हमने कितनी ही स्टोरीज सुनी है जिसमें, तो बिल्कुल। आई थिंक इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत रहा है क्योंकि बच्चों के पास इतना सपोर्ट नहीं रहता जनरली फैमिली का, फाइनेंशियल का, कि वो बाहर जाके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लें, उनको गाइडेंस मिल जाए। मेन
मुद्दा तो गाइडेंस का भी है कि अच्छा नहीं मिलता जैसे आपने ऑनलाइन स्टडी करी है, हुँ. जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे तो आपको डाउट्स आते थे, तो वो कैसे सॉल्व करते थे आप? जनरली मैं सच बोलूँ तो मुझे डाउट्स नहीं आते थे, जितना टीचर ने बोला उतना करो, जितना उन्होंने सॉल्व कराया उतना करो, वो जो बोलते वो कर लोगे तो 700 भी सबके आ जाएंगे, पर सब कर नहीं पाते या सब करते नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में बच्चों को लगता है कि हम ओवर स्मार्ट हैं, हम कर लेंगे, हमको किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, कितनी बार वो टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं. ऑनलाइन क्लास में तो ये जनरल ट्रेंड है कि बच्चे टीचर्स को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं आप वो करो, क्यों, तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है? उनके पास 10 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो एक बहुत वेल ऑफ बैकग्राउंड से हैं जहाँ वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं. राइट अच्छा आपने जैसे ऑनलाइन में काफ़ी अच्छा स्कोर करा है, तो जो बच्चे ऑफलाइन भी अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें ऑनलाइन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन करना चाहिए? सच कहूँ तो अगर आपको फैमिली से वो माहौल मिल रहा है, शांति मिल रही है घर पर पढ़ने की, ज़्यादा ड्रामा नहीं होता घर में, जनरली बहुत ड्रामा होता है घर में, मिडिल क्लास फैमिलीज में तो बहुत होता है. राइट टू बी ऑनेस्ट, शादी में जा रहे हैं, यहाँ चलो वहाँ चलो, रिश्तेदारों का बहुत ड्रामा होता है. तो अगर आपकी फैमिली इतनी स्टेबल है कि वो रिश्तेदारों को जवाब दे सके कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो नहीं आ सकता, बाद में आप मिल लीजिएगा, पर फैमिली स्टैंड नहीं ले पाती, वो बोलते हैं कि यार बुरा लग जाएगा, उनके भी कंट्रोल में नहीं होती ये चीज़ें, तो पूरी तरह वो भी जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए, पर सपोर्ट करना चाहिए. मतलब ऑनलाइन कर सकते अगर कर सकते करना चाहिए, जब इतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, आई थिंक अगर PW के वही टीचर्स रहते हैं, MR सर, पंकज सर, ये सब रहते हैं, मतलब और भी टीचर्स बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, वन शॉट्स में भी मैंने देखा है टीचर्स जान लगा रहे हैं, मतलब बच्चा तो क्या ही मेहनत करेगा, ऐसा लगता है टीचर का खुद का एग्जाम है. राइट अच्छा आपके फेवरेट टीचर कौन रहे PW में? मैंने तो जिन जिन से पढ़ा है सभी फेवरेट थे, मैंने फिजिक्स MR सर से पढ़ा है, ऑर्गेनिक पंकज सर से पढ़ा है, हितेश चोपड़ा सर ने हमें इनऑर्गेनिक पढ़ाया था, और फिजिकल सुधांशु सर से पढ़ा है, बॉटनी मैंने ऋषभ सर से पढ़ा है, और नोमेश सर से जूलॉजी, बस आई थिंक इतने में कवर हो जाते हैं सारे टीचर्स, और भी जो बीच बीच में चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे अलग सर, और जो मेंटरशिप सेशन होते हैं, और जब टीचर्स गाइड करने आते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, कब आपका डाउनफॉल हो रहा है तो आपको कैसे उठना है, मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही मोटिवेशन से कट जाओगे या ज़्यादा मोटिवेशन देखोगे, तो मतलब अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, पर ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ होता रहता है ब्रेकडाउन, आप थोड़े से मार्क्स डिक्रीज होने पे आपको लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, तो बहुत इनसिक्योर फील है ये, और इस साल के रिजल्ट के बाद तो बच्चे और इनसिक्योर हैं बिल्कुल, कि अब क्या हमको 720 पे ही कॉलेज मिलने वाला है. एम्स तो मतलब 720 वालों को भी नहीं मिल रहा है एम्स दिल्ली. अभी जो 680 वाले बच्चे जो इंटरव्यू देके गए उनमें भी एक निराशा सी झलकी दिखी मुझे कि यार हमने तो पूरी मेहनत की थी, हम डिजर्व करते हैं, पर अच्छा इस मतलब रिजल्ट में कुछ आपको फॉल्ट नजर आ रहा है क्या? है फॉल्ट तो, मतलब इतना स्कोर 50-60-70 स्कोर. आई थिंक अभी आज सुबह ही एक वीडियो देखा मैंने जहां वो क्लेम कर रहे थे कि 8 बच्चे एक सेंटर पे, अराउंड उनका सेम ही रोल नंबर था, बिल्कुल उनका सबका, तो वहां तो स्कैम है जरूर, बिल्कुल, और उनके सरनेम्स भी मेंशन नहीं है, तो This is definitely a scam. इतना तो है, इसके लिए तो देखना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो भी necessary है. Okay, आपकी family से पहले कोई doctor है? First doctor रहने वाला. आप मतलब इंदौर प्रॉपर से हो? I'm a proper इंदौर से. Okay, मतलब आपने जो 12th तक आपकी study करी है वो कौन से medium से करी है? मैंने 11th 12th मतलब डमी स्कूल बोलते हैं जिसे, तो उसके साथ प्रिपरेशन भी करी आपने? हाँ मैंने 11th 12th के साथ प्रिपरेशन की थी, पर तब कोविड था, नहीं तब मैं MGCI में थी. ओके. पर वही कोविड के कारण ज्यादा ऑफलाइन में जा नहीं पाई, ऑनलाइन ही था ऑलमोस्ट. MGCI के बाद से आप PW से कनेक्ट हुए? एक्चुअली मैंने 12th में भी लास्ट में PW से रिविजन करने की कोशिश की थी, शायद मैंने लास्ट में ही बैच बाय की थी टू बी ऑनेस्ट, और फिर तब से मुझे टीचर्स का इतना समझ आया कि मैंने फिर ड्रॉप ईयर में फिर नहीं सुना किसी का, और इसके लिए मुझे बहुत ब्लेम किया जाता है, क्योंकि बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनमें से एक ने जिसने MGCI से ड्रॉप किया था, ही स्कोर्ड रियली वेल, दैट वाज 670 लास्ट ईयर, तो ही इज इन GMC मुंबई, सो इट्स वेरी वेल ऑफ मी.
तो मेरे पेरेंट्स अभी तक मेरे को ब्लेम करते कि तू भी चली जाती। मैं बस लाइक नहीं, मेरे को एक तो जैसे आ जाता है ना कि यार आपने 2 साल तैयारी की और अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कोविड के 2 साल पेपर बहुत ईजी आए थे, उस हिसाब से सारी कोचिंग तैयारी करवा रही थी। सडनली बायो का पेपर बहुत ब्लॉकबस्टर आ गया था और ये बच्चे सब बोल रहे थे मतलब कि 1.5 घंटा तो उनको बायो में ही लग गया था। तो अच्छा, आपको इतना मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? कुछ करना है तो फिर पेन लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चाहे कितना ही बोर हो रहा हो, शरीर दुख रहा हो, बीमार हो, फैमिली में कुछ भी चल रहा हो, दिमाग की ऐसी की तैसी हो रखी हो, पर कुछ करना है आपको। आपका एक गोल है ना, आपको एग्जाम क्रैक करनी है, बिल्कुल तो आपको वापस आना पड़ेगा आपके बेसिक्स पे। जैसे कंटिन्यू पढ़ रहे, 2 घंटे हो गए है ना, तो अब उठने का मन कर रहा है लेकिन कंट्रोल करना है, तो उस टाइम कैसे मैनेज करते थे आप? सच बोलूं तो बैठे बैठे सारे पार्ट सुन्न हो जाते थे, मतलब पाँव ऐसे हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, इतने 8-8 घंटे की सिटिंग हो गई थी फर्स्ट ड्रॉप में, तो जिस कारण बहुत प्रॉब्लम्स आई, एब्डोमिनल क्रैम्स आ रहे हैं और बहुत कुछ हुआ। तो आई थिंक ब्रेक ले लेके भी पढ़ना इज नेसेसरी। एक और चीज़ जो मैंने 11th 12th के साथ, मैंने मतलब इतनी आग थी उस टाइम कि भाई करना है, इट्स प्रेशर के साथ करना है, तो उस टाइम तो सोना ही छोड़ दिया था। इस साल जो मैंने चेंज किया है वो मैंने मेरे स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दिया है, तो इतना आया है, और मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ करती तो मैं और बेटर स्कोर कर सकती थी। डेली आपका रूटीन बता दीजिए लास्ट। मेरा डेली रूटीन, मैं कोशिश करती थी मैं जल्दी उठूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, ओके, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था सुबह सुबह शांति और बहुत कूल माहौल देख के, कोई भी नहीं है करके। 3:40 तो बहुत अलग सी एनर्जीज रहती है उस टाइम, तो आई थिंक बच्चों को एक बार ट्राई करना चाहिए, उठ के देखना चाहिए, ट्राई करना उसके बाद फिर पूरा कंटिन्यू बताइए। फिर बस उठते से वही अपना डेली कॉल्स, उसके बाद स्केड्यूल तो देखो बनाते हैं, सारे बच्चे बनाते हैं, रिवीजन प्लानर होता है, सबका होता है, फॉलो किसी से नहीं होता है। ओके, आप बनाते थे? मेरे पास पूरी एक लिस्ट होती थी टॉपिक्स की कि मुझे आज इतना निपटाना है, पर मैं 80-85 पूरा कोशिश करती थी कि हो जाए मीटअप, पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगी हो पाता था। ओके, आप ब्रह्म मुहूर्त में जैसे उठते थे, उसके बाद आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ के तो मैं पहले शायद मेडिटेशन प्रैक्टिस करती थी कि दिमाग को शांत कैसे रखो, मतलब आप ये एग्जाम निकाल लोगे अगर आपका दिमाग स्टेबल नहीं है, आप डॉक्टर बन भी गए और आप पेशेंट देख के ही घबरा गए। ओके, डेली कितने मिनट्स आप मेडिटेशन करते थे? मिनिमम 20 मिनट। 20 मिनट, ओके। क्या क्या करते थे उसमें आप? मेडिटेशन के लिए आई थिंक आपको सदगुरु को फॉलो करना चाहिए, वो एक बेटर गाइड दे पाएंगे, पर मैं जैसे मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती थी, मतलब पीनियल ग्लैंड यहाँ होता है, तो यहाँ आँख बंद करके मिड आईज ओपन रहती है, तो इस पॉइंट पे ध्यान लगाते हैं तो उससे शायद फोकस इम्प्रूव होता है। मेडिटेशन के बाद फिर बस पढ़ना चालू। कौन सा सब्जेक्ट, कोई सा भी? पहले सुबह सुबह मैं बायो प्रेफर करती हूँ, ओके, फिर फिजिक्स तो मैं लास्ट में प्रेफर करती थी। 3:30 बजे से लगभग आई थिंक 4 बजे के आसपास आप पढ़ने बैठ जाते थे ना? हाँ, एक्चुअली मैं सच बोलूँ ना, मैं डेली नहीं फॉलो करती थी क्योंकि एक दिन इतना ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता था कि मैं पढ़ने में घुसती थी तो फिर मैं 3:40 उसके लिए मेरे को जल्दी सोना चाहिए, पर मेरा 12:00 बज जाता था रात का, तो मेरा ऑल्टरनेट चलता था, एक दिन मैं जल्दी उठ के सब कर रही हूँ, एक दिन मैं 7-8 बजे, तो ऐसे ऑल्टरनेट ब्रेक्स पे चलता था, तो ऐसे करके। पर डे आप कितने आवर्स स्टडी करते थे? घर पे थी तो डिस्टरबेंस बहुत था, तो मैं जल्दी उठती थी पर एफिशिएंसी इतनी नहीं बन पाती है घर पे, अगर आप मेरे जैसे फैमिली के साथ रहते हो तो, जहाँ आपको रहते हैं बहुत सारे काम, आई वुडंट से कि उनसे पूछोगे तो दे आर लाइक हमने तेको ग्लास भी नहीं उठाने दिया, पर वो मेंटल प्रेशर रहता है। ओके, आपकी इस जर्नी में सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग पर्सन कौन रहा आपके लिए? मोटिवेटिंग पर्सन ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरे पास वो मोटिवेशन आता रहता था, क्योंकि मेरा गोल किसी पर्सन को देख के नहीं है, मेरे को सेवा करने का शौक है, मेरे को अच्छा लगता है जब मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ या वो ठीक हो जाते हैं या मेरी उनकी उनसे बात करने से उनको अच्छा महसूस होता है, तो
मैं जनरली बात कर लेती हूँ सबसे, खुद से मतलब कॉल करके पूछ लेती डॉक्टर बनकर जो रूरल एरिया से जहाँ पर डॉक्टर हूँ। अच्छी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा पाते, वहाँ पर जाकर आप अच्छी फैसिलिटी सो मेरा प्रोवाइड कराना चाहते मेन हैं। इंटरेस्ट तो न्यूरोसर्जन बनने में है। लाइक मैं साइकियाट्री पढ़ना चाहती हूँ, मैं ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये सब काम करता है और कैसे सोचते हैं लोग, क्यों इतना, मतलब अभी भी देखें हम एग्ज़ाम फील्ड में ही देखें तो बहुत बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, और लाइक उनसे बात करने की ज़रूरत है। उनके पेरेंट्स शायद वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते, कई बार टीचर्स रीचेबल नहीं होते, इतनी भीड़ में बच्चा शाय हो जाता है। तो आई थिंक इन बेसिक्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाए, पेरेंट्स का खुला सपोर्ट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, हो जाएगा। मेरे को तो लास्ट में रोना रोना आ जाता था, मेरी मम्मी बोल देती हो जाएगा। इनफैक्ट अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कॉलेज मिल रहा है या सिक्स नहीं, फोर्टी है ना अभी आपका? 6:14। 14। हाँ ओके, मिल तो जाएगा। मिल जाएगा, होपफुली मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील कि ना मिले, MBBS कर सकते हैं आप कहीं से भी। आई थिंक PG अच्छी जगह से करना बहुत ज़रूरी है, जब आपको MS जैसा, राइट। तो वो मैं बहुत, मेरे लिए बहुत सेटबैक, बहुत मोटिवेटिंग है, क्योंकि अब मैं शायद और ट्रू रह के मेहनत कर पाऊंगी। और इस बार तो तमाचा पड़ा है सभी बच्चों को, राइट। कंपटीशन का, इस रैंक का, 720 की क्या वैल्यू है इसका। इसके बाद बच्चे इतनी जी तोड़ मेहनत करने वाले इस साल, तो 2025 में इससे भी ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आने वाला है, आई एम डेम श्योर। ऐसा लग रहा है नेक्स्ट ईयर इस बार 66 लोग 720 लाए, नेक्स्ट ईयर हो सकता है 200 वो लाए लेकर आए, एम्स एकदम ट्रैफिक खत्म 720 जैम होने पे। वाला है, धूम मचने राइट। वाली है, क्योंकि बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस बार के स्कोर से कि ये क्या हो रहा है, कचरा हो गया हमारी मेहनत का। तो सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।